शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा। साजिद भाई और मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी जुबैदा की शादी इनके साहबजादे महबूब आलम से करने जा रहा हूं। हमें आप सबके नेक दुआओं की जरूरत है। जानती हो कि हमें वही करना होता है जो साहब चाहते हैं। अब्बा है तुम्हारे? जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा था, आपकी तरह मुझे एक दुधारू गाय नहीं बनना जिसकी नाक में रस्सी डाल के कोई कहीं भी ले जाए। सब मेरा ही कसूर है क्या? इतना काफी नहीं है कि साहब अपना सारा गुस्सा मुझ पे उतारते हैं, अब तुम भी मेरा दिमाग चाट रही हो। जूबी, मुझे ऐसा मत सताओ, मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। खुदा के लिए साहब से माफी मांग लो। मत रो अम्मी, मैं कल अब्बू से माफी मांग लूंगी, बस तुम्हारी खातिर। मेरी बच्ची, अब्बा आई एम सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी अब्बा। तुमने कल मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, अब मैं दोस्तों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मगर मुझे नहीं करनी शादी। साजिद भाई के साथ शादी की बात पक्की हो चुकी है, महीने के आखिर में तुम्हारा निकाह तय किया है। पर आपने वादा किया था कि इस साल आप मुझे फिरोजा के साथ स्विट्जरलैंड भेजेंगे फिनिशिंग स्कूल। फिरोजा के बाप को फिरोजा के लिए अच्छा रिश्ता मिलने वाला नहीं है, उसकी ना शक्ल है ना अकल है, और मेरी बेटी को तो खुदा ने सब कुछ दिया है, फिर तुम्हें फिनिशिंग स्कूल की क्या जरूरत है? घर का कामकाज तुम्हें तुम्हारी अम्मी सिखा देगी। मुझे नहीं करना घर का काम। जैनबी, मैं ऑफिस से 30,000 रुपए भेज रहा हूं, इसके जहेज की चीजें खरीद लेना। अब्बू प्लीज, अब्बू मेरी शादी अभी मत कराओ। उस आदमी से मैं कैसे शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार नहीं है? गधी, प्यार मोहब्बत ये सब शायरी और फिल्मों की बातें हैं, शादी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? बेवकूफ कहीं की। अम्मी, इस जालिम से कह दो मैं महबूब से शादी नहीं करूंगी। तौबा तौबा, अपने अब्बा को कोस रही है? साहब एक बार कोई फैसला कर लेते हैं ना तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नहीं बदलेंगे। फैक्ट्री डालने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी है, पिछले 10 महीनों से चक्कर काट रहा हूँ, परमिट ही नहीं मिलता। अजीब चक्कर है यार। मिल जाएगा, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। असल में बात क्या है जानते हो सुलेमान, यहाँ पर लोग एक मुसलमान को फेवर ही नहीं करना चाहते। मुसलमान तो हम भी हैं यार, हमारी तरक्की में तो आज तक किसी ने रुकावट नहीं डाली। मुझे तो लगता है यहाँ वापस आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रहे हो साजिद, ये तुम्हारा अपना शहर है, ये घर भी तुम्हारा अपना है। मगर यार आखिर कब तक तुम पर बोझ बने रहेंगे हम? व्हाट नॉनसेंस यार। आदाब चचा जान। आदाब। नायर हॉस्पिटल से मेरा कंफर्मेशन का लेटर आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, वो लोग क्वार्टर भी दे रहे हैं क्या? तुम बच्चों को घर से निकालना चाहती हो?
मैंने तो एक बात कही थी बस। वैसे भी बच्चे अगर अलग रहें तो क्या हर्ज है, कौन सा परदेश जा रहे हैं। अरे पर यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत भी क्या है, खास तौर पर जबकि जुबैदा उम्मीद से है। क्या? अरे कमाल करते हो यार, मैं दादा बनने वाला हूँ और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मुझे भी अभी अभी पता चला। तब तो मुझे कराची जाने की तैयारी फौरन शुरू कर देनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें मारूंगा, फिर से वही कराची की रट। अगर मेरे अब्बा को पता होता कि कराची जाने का प्लान है तो हमारी शादी कभी नहीं करते। मेरे अब्बा अगर जाना चाहते हैं तो हमें भी उनके साथ ही जाना होगा। तुम अपने अब्बा के साथ जाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं अपनी अम्मी और अब्बा को अकेले छोड़कर चली जाऊं। सुबैदा, सुबैदा देखो, अब्बा नहीं चाहते कि मैं यहाँ घर दामाद बनकर रहूं। इतनी अच्छी नौकरी है, हम बंबई में आराम से अलग घर लेकर रह सकते हैं। हाँ मगर अब्बा जाने की जिद जो कर रहे हैं वो तो कराची जाने पर तुले हैं। अगर तुम उनसे कहोगे कि हमें आपके साथ नहीं जाना तो वो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, पहले बच्चे को तो पैदा होने दो, फिर बात करता हूँ। अभी कहने में क्या हर्ज है, तुम उनसे इतने डरते क्यों? मेरी बच्ची बस, बस थोड़ा हिम्मत से काम, बस मेरी बच्ची, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले। अभी अल्लाह तू रहीम है करीम है, जुबैदा की जचगी आसान कर अल्लाह, उसे इस दर्द से जल्दी फरागत दिला। शुक्र है परवरदिगार का, साहबजादे बिल्कुल सही वक्त पर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, वरना हमें स्टीमर की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती। स्टीमर की बुकिंग? तुम लोगों ने टिकटें भी करवा ली और हमें बताया तक नहीं। अरे बताता तो तुम खामखा आफत खड़ी कर देते, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं मैं? तुम नहायत खुदगर्ज हो साजिद, एहसान फरामोशी की भी हद होती है। मैं तुम दोनों की मदद में दिन रात एक कर रहा हूं और तुम बिना बताए हुए मुझे यहां से सरकना चाहते हो। अरे कितनी कोशिशों के बाद महबूब आलम को परमानेंट करवाया है, तुम जानते हो यहां लोग मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ वही तो, बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुम्हारी बात मानकर, यहां हमारे लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग चुप हो जाइए, ये भी कोई लड़ने का वक्त है। अरे भाभी अभी समझाइए ना इसको, आप ही समझाइए कि पाकिस्तान चले जाने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, यहां पर हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं। वहां भी कौन सा बनेगा, पाकिस्तान में तो आप लोगों की बड़ी आवभगत की जा रही है ना, मुहाजिर कहे जाते हैं आप लोग, मुहाजिर। बको मत, तुम क्या जानो इन सब बातों के बारे में, तुम तो बस यही चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा घर दामाद बना रहे और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं बस। सच तो यह है साजिद कि जिंदगी में ना तुमने कभी कुछ किया है ना ही कर पाओगे, इधर हो या उधर नालायक तो नालायक ही होता है। तो तुमने कौन से बड़े तीर मार लिए हैं यहां पर रहकर, दो चार जलील किस्म की स्टंट पिक्चरें बनाकर चार पैसे कमा लिए हैं तो समझते हो बहुत बड़ा मकाम मिल गया है तुम्हें, बड़ी इज्जत हो गई है तुम्हारी। साले नाशुक्रे, क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, अपना समझ के घर दिया, बेटी दी, तुम्हारे काम के लिए भागा भागा फिरता रहा और बदले में क्या मिला, जिल्लत और गालियां। तो तुम क्या समझते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं और जहां भी जाऊंगा मेरी बहू और उसका बच्चा मेरे साथ जाएंगे। मैं तुम्हें कभी बख्शने वाला नहीं हूं साजिद, तुम जहां जी चाहे जाओ लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और ना ही उसका बच्चा जाएगा। मगर चाचा मेरी बीवी और मेरे बच्चे को तो। चलो बेटे, अब इन लोगों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेहर की रकम 1,00,000 रुपए तय हुई थी, वो तलाक से पहले आधा होनी चाहिए। लड़की अपनी मेहर की रकम माफ करती है फिर तो तलाक फौरन दिया जा सकता है। बोलिए। मैं महबूब आलम अपने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी जुबैदा खानम को आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं।